आज हम बनाएंगे कॉर्न चाट। पहले हमने गैस चालू किया, हमने कढ़ाई रख दिया, इसमें हमने थोड़ा सा तेल डाला है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। जीरा जब हमारा हल्का लाल हो जाएगा उसके बाद इसमें हम कॉर्न डालेंगे। अभी हमारा जीरा लाल हो गया, इसमें अभी हम कॉर्न डाल लेंगे। अभी हमने कॉर्न डाल के पूरा अच्छे से मिक्स किया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। आधी चम्मच से कम हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, और स्वाद अनुसार नमक, और एक चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। अब इसमें हम और कुछ नहीं डालेंगे, और ये सब डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको 2 से 3 मिनट वापस पकाएंगे ढक के। आज को हम धीमी आंच पे ही पकाएंगे। अभी हमारा 3 मिनट हो गया, इसको एक बार वापस हम चला लेंगे, और फिर इसको हम वापस 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे वापस पकने के लिए ढक के रख देंगे। उसके बाद फिर हमारा कॉर्न चाट तैयार। अभी हमने 2 मिनट तक पकाया था, अभी हमने गैस बंद कर दिया है। अभी हमारा कॉर्न चाट बन गया है, अभी हमने गैस को बंद कर दिया है। अभी कॉर्न को एक कटोरी में हमने ले लिया। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा प्याज, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसमें हम हल्का सा नमक डालेंगे, और फिर इस पे हम थोड़ा सा, मैंने नींबू का इसमें ऐसे रस डाल देंगे, और इसमें हम नमकीन, हमारे पास पड़ा है हमने वो डाल दिया। अगर आपके पास नमकीन है तो आप इसमें सेव भी डाल सकते हो। और इसमें आप धनिया भी डाल सकते हो। हमें धनिया नहीं पसंद है इसलिए हमने धनिया नहीं डाला है। अभी हमारा कॉर्न चाट बन के तैयार हो गया है। अभी हमारा कॉर्न चाट बन के तैयार हो गया, जो काफ़ी खाने में स्वादिष्ट और हेल्दी और टेस्टी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।